नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है आतंकवाद के यमराज नरेंद्र भाई मोदी की। अब यमराज है या इंसान है? मीडिया वाले पता नहीं किसको क्या बना देते हैं भैया। नहीं यार, मैं एक सीधा साधा गुजराती भाई, दाल भात खाने वाला, जनता की सेवा करने वाला एक सामान्य इंसान हूँ। ठीक है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रखा ना, आपके आपको चैलेंज किया उन्होंने, आपने कहा था मेरे प्रदेश में कुछ करके दिखा दे, तो उन्होंने करके दिखा दिया। ये शब्द सही नहीं है आपके, और कोई ऐसे मेरे शब्द निकाल दे तो मैं स्वीकार करूं। आपने क्या कहा, कुछ तो चैलेंज किया था आपने। मैं हमेशा कहता हूं कि आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। इस देश में आतंकवाद की पगचंपी बंद होनी चाहिए, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अरे मैं मानता हूं पूरे देश में ये मूड बनाए बिना हम आतंकवाद का सफाया नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, एक बात समझो, जिस तरह की आपकी कठोर छवि है कि आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जब आपके प्रदेश में आतंकवादियों ने एक बार 60 लोग मार दिए, आपके स्वाभिमान के ऊपर चोट तो लगी होगी। ये सवाल मेरे स्वाभिमान का नहीं है, आतंकवाद ये मानवता विरुद्ध लड़ाई है। पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा होना चाहिए, और जो जहां से लड़ाई लड़ सकता है मानवता के लिए लड़नी चाहिए। अगर गुजरात के नसीब में वो लड़ाई आएगी तो गुजरात वो लड़ाई लड़ता है, और गुजरात ने इस लड़ाई को लड़ करके दिखा भी दिया है। पहली बार गत 5 वर्ष में एक के बाद एक हिंदुस्तान के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में आतंकवादी घटनाएं घटी। गुजरात अकेला राज्य है जिसने सारा खाका खोल दिया, सारे पन्ने उगाड़ के रख दिए और देश के सामने आतंकवादियों का सही चेहरा प्रस्तुत कर दिया। एक बार ये भी लगता है जो लोग पकड़े जाते हैं अंत में वो छूट जाते हैं, कोई उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल हो पाता। कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, गुजरात सरकार ने कानून की व्यवस्था की है, भारत सरकार के पास गुजरात ने ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए विधेयक पास करके दो दो बार गुजरात असेंबली ने विधेयक पारित किया, दिल्ली सरकार को भेजा, अभी तक उसका जवाब नहीं। भारत सरकार न उसको मंजूर करती है न उसको रिजेक्ट करती है, वो फाइल दबा करके बैठ गए हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसा ही कानून महाराष्ट्र में है, गुजरात से 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर महाराष्ट्र में कोई बम धमाका करेगा तो उसके लिए पुलिस के पास बढ़िया कानून है, प्रयोग तो नहीं कर रहे, लेकिन गुजरात के अंदर होगा तो गुजरात के पास कानून नहीं है। कोई देश ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य के पास कानून हो लेकिन दूसरे राज्य को कानून न करने दिया जाए। ये वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ी समस्या नहीं, आप वोट बैंक की राजनीति कह रहे हैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, पर ये सवाल जी कि कानून की बात बार आप बार बार कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गुजरात राज्य की सरकार ने पुलिस ने दिखा दिया कि जो कुछ 5 राज्यों में हुआ उसके पीछे जो लोग थे उनको आपने भंडाफोड़ किया उनका, उसने किसी कानून की जरूरत पड़ी नहीं आपको? आखिरकार कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, बार बार कानून की बात करते हैं। पहली बात है, कानून चाहिए सजा दिलाने के लिए, कानून चाहिए स्पेशल कोर्ट को बनाने के लिए, कानून चाहिए अधिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए। आप कभी भी 19वीं शताब्दी के कानून लेकर के 21वीं शताब्दी के हाईटेक टेररिस्टों को साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इसलिए पुलिस के हाथ में, एक जमाना था पुलिस के पास ऑर्डिनरी 303 राइफल थी, आज आपने पुलिस को AK-47 राइफल तो दे दी लेकिन आप पुलिस के हाथ में कलम में ताकत नहीं देते हैं। एक सेंटेंस में बताइए, ऐसी कौन सी कमी है जो आज के जो कानून है उसके अंतर्गत आप आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए कि आतंकवादी एक बम छोड़ के गया, आप उसको कहेंगे कि भाई आई विटनेस चाहिए, आई विटनेस कहां से लाओगे? आप इंट्रोगेशन करते हो, उसमें जो बताता है उसको सबूत मानना चाहिए। आप टेलीफोन टैप करते हो, टेलीफोन टॉक को सबूत एविडेंस मानना चाहिए, एविडेंस मानना चाहिए। ये कानूनों में व्यवस्था दुनिया ने, आपको मतलब कन्फेशन को दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है। दूसरा एक भ्रम फैलाया जाता है कि कानून होता है तो भी घटनाएं घटती है। ये मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे वोट बैंक के खिलाड़ी ये कैसा कैसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर हत्या करते हैं तो 302 का कानून है,
लेकिन अब हत्याएं तो हो रही है, हो रही है। क्या 302 का कानून निकाल दोगे क्या? ट्रेन के अंदर बिना टिकट जाना गुनाह है, फिर भी जाते हैं लोग, फिर भी लोग जाते हैं। तो क्या लालू प्रसाद ट्रेन में बिना टिकट जाना गुनाह है ये कानून निकाल देंगे क्या? ये कैसी मजाकिया बातें हो रही है। और इससे इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है, इससे आतंकवादियों की खुराफत बढ़ती है और उनको मदद करने वालों की भी हिम्मत आ जाती है। आप एक नंद भाई एक बात, जो आपके विरोधी हैं और बहुत सारे हैं आपकी पार्टी में भी हैं, बाहर तो बहुत ज्यादा हैं, सवाल ये है कि जिस तरह की आपकी छवि कठोर हैं आप, कानून का दुरुपयोग जो होता है, कानून बनना चाहिए पूरे समुदाय के लिए, हिंदू या मुसलमान के लिए तो कानून नहीं होता ना, कानून सबके लिए होता, सबके बराबर होता, सबके बराबर होता। अब जब लोग छूट जाते हैं, फेक एनकाउंटर आपके यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं कि लोगों को मार दिया आपने उठा करके, आपके पुलिस ऑफिसर पकड़े गए, ये भी तो एक कानून की जो वर्दी का दुरुपयोग हुआ। कानून है तब होता है ना, हुआ ना मिस यू, कानून है विश्वास नहीं होता आपने, नहीं कानून है तभी तो हुआ ना। अगर मान लीजिए किसी को पुलिस को भी इंक्वायरी हुई तो कानून था तब हुए ना, अगर कानून ना होता तो क्या होता पुलिस के पास? अगर ये आप मुझे बताइए, आप निर्दोष लोगों को मरने देने को तैयार हो लेकिन दो निर्दोष लोगों की जांच होने देने के लिए तैयार नहीं हो। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, आप निर्दोष लोगों की चिंता नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि वो लोग कानून का विरोध करते हैं जिनको आतंकवादियों की चिंता है, जिन लोगों को आतंक की चिंता है, टेरर की चिंता है, टेररिज्म की चिंता है, वो कठोर से कठोर कानून के पक्षकार होते हैं। भाई ये आपने बात ठीक की, अगर आतंकवादी के लिए एक लॉ है उसको प्रिवेंट करना है, उसको सजा देनी है, जो दंगे करते हैं जो मारते हैं लोग उनको भी सजा उसी कानून के अंदर कोई ना कोई होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए ना, कानून सबके लिए होना चाहिए, ये कानून किसी ने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो आपको एक बात जो जिस तरह आप कहना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, ये इस तरह की जो भावनाएं हैं दुर्भावनाएं हैं उसको दूर करने के लिए भी कोई उपाय आप लोगों को सोचने चाहिए ना। भारत का संविधान है, भारत का न्यायतंत्र है, भारत में वाइब्रेंट मीडिया है, आप चिंता क्यों करते हैं इतनी? निर्दोषों को मरने देंगे क्या आप लोग? क्योंकि रोज ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है, कोई ना कोई वहां पहुंच जाता है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं, दिल्ली में वो सरकार है जो मेरा एक भी गुना 100 मील दूरी पर भी हाथ लगेगा तो मुझे फांसी लटकाने के लिए मौका ढूंढ रही है। 4.5 साल से दिल्ली में सरकार बैठी है, अब तक मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लग पाया है, मुझ पर कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। बयानबाजी करते हैं वो पॉलिटिकल है, वो आप भी जानते हैं, ठीक है पॉलिटिकल, वो आपकी रोजी रोटी के लिए, मीडिया को भी मजा आता है, ठीक है हम तो टारगेट है आतंकवादियों के बाद, आप लोगों के टारगेट हम ही है मीडिया वाले कि या तो उनको मारो या इनको मारो, परंतु राजनीति जो आतंकवाद के नाम पर हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं पूछूंगा आपसे, इसके नाम पर आतंकवाद के नाम पर राजनीति हो रही है, आतंकवाद की बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, मानवता के खिलाफ एक जंग है, इस पे क्यों? वो कहते हैं जी नहीं हम नहीं कानून बनाएंगे, आप कहते हैं कानून बनाएंगे, तो दोनों की सोचने का अलग अलग तरीका क्यों है? पहली बात है, दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता है तो सवाल उसको पूछना चाहिए, जो ह्यूमन राइट के सबसे बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने भी कठोर से कठोर कानून बनाए हैं। अगर कानून का मिसयूज होता है तो हमारे देश में एक व्यवस्था है, लेकिन है। कानून न होने के कारण निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके लिए कौन जवाब दे? और इसलिए देश में, और मैं कम से कम पिछले दिल्ली बम के बाद, धमाके के बाद, हिंदुस्तान का मीडिया एक स्वर से कानून के पक्ष में जो कैंपेन कर रहा है, मैं सभी मीडिया के मित्रों को इस विषय में बधाई भी देना पसंद करूंगा आज, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 4 दिन से मीडिया के सभी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, देश में कठोर कानून होना चाहिए इस आवश्यकता पे बल दे रहा है। और हो सकता है दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकल करके गरीब निर्दोष नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता